साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी को अकेले तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पूरा बहुमत मिला है। 292 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब इस बीच बहुत बड़ा दावा बिहार से आया और उसके बाद बिहार में उठापटक शुरू हो गई। बहुत बड़ा दावा ये हुआ कि एनडीए की सरकार तो बनेगी लेकिन नरेंद्र मोदी इसके नेता यानी कि प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जी हां, ये बड़ी खबर है। बड़ा दावा बिहार से हुआ है तो इसकी मोहर महाराष्ट्र से लग गई और आज रात बहुत कुछ बड़ा होने का दावा भी कर दिया गया, जिसके बाद बिहार में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब कर लिया गया। आनन फानन में वहां उठापटक मच गई है। तो बताते हैं, दिखाते हैं क्या है सियासी हलचल, क्या ऐसा अचानक हो गया, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली में नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है। बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, इसीलिए आंध्र प्रदेश की पार्टी तेलुगु देशम और उनके नेता चंद्रबाबू नायडू पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े किंग मेकर बनकर उभरे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने भले कह दिया है कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अंदर खाने हलचल लगातार बनी हुई है। अंदर खाने इंडिया गठबंधन के नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, लगातार संपर्क कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। बिहार से निर्दलीय सांसद चुने गए और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि सरकार एनडीए की तो बनेगी लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जी हां, ये बड़ा दावा पप्पू यादव की तरफ से किया गया है। सांसद बन चुके पप्पू यादव के दावे में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि इसके ठीक बाद बिहार में खासा सियासी बवाल मच गया, उठापटक मच गई और आनन फानन में बीजेपी ने बिहार में अपने दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिंह को दिल्ली तलब कर लिया और दोनों ही दिल्ली पहुंच भी गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी अभी से ही आंख दिखाना बीजेपी को शुरू कर दिया है। केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है, यानी कि इसके पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ है। जबकि बीजेपी इस बार हर हाल में यूसीसी पास करवाना चाहती है, पूरे देश में लागू करवाना चाहती है। साथ ही साथ केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ है और इसमें भी बदलाव होना चाहिए, यानी कि सरकार बनी नहीं है, तकरार अभी से शुरू हो गई है। देखिए तीसरी बात, टीडीपी नेता यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। जी हां, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है कि उन्होंने कहा है कि वो बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि केंद्र की सरकार नहीं वाली बेहद कमजोर होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद मांगा है और कहा है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे। यही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू की इंडिया गठबंधन के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात भी हुई है। दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती और माना जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद ही चंद्रबाबू का मन भी बदल चुका है। अब चौथी बात, एक और बड़ी बात, संजय राउत। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता प्रवक्ता और संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और आज की रात बहुत कुछ होने वाला है। या तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो मोदी इसका चेहरा नहीं होंगे, प्रधानमंत्री पद पर नया चेहरा होगा। ये दावा संजय राउत ने भी कर दिया। अब इन सब दावों के बीच, इन सब बातों के बीच दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। लिहाजा आज की रात बेहद ज्यादा अहम है। आज की रात में बहुत कुछ होने वाला है, आज की रात में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा था कि पहले 5 जून को ही बीजेपी नेता एनडीए के नेता राष्ट्रपति के पास जाने वाले थे, सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे, लेकिन अब ये मामला आगे खिसक गया, 7 जून को पहुंच गया। यानी कि कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ न कुछ तो मामला दिल्ली में ऐसा हो रहा है जो कि अनयूजुअल है, सामान्य नहीं है। तो आपका क्या मानना है, इन दावों में कितना दम है? क्या वाकई में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या कोई और चेहरा पीएम होगा, या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वाकई में कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त हलचल है, सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी प्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित हैं। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। अब पहले आप समझिए, जिस कांग्रेस पार्टी को कोई कहीं नहीं गिन रहा था वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। 13 सीटों पर कांग्रेस जीती है तो 9 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी ने बाजी मारी है, जबकि 8 सीटों पर शरद पवार की पार्टी जीती है और शिवसेना शिंदे गुट सिर्फ 7 सीटें जीत पाई। तो
एनसीपी अजीत पवार भी सिर्फ एक ही सीट जीत पाए, यानी कि मामला पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नजर आया। अब कहानी है कि शिवसेना शिंदे गुट के जो 7 सांसद चुनाव जीते हैं वो एकजुट हो गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शिंदे गुट के सभी नए चुने गए 7 सांसदों ने मीटिंग बुलाई है। 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर बात की है और ये बातचीत तब हुई जबकि उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के जीते हुए सभी सांसदों को फोन किया और सभी को जीत की बधाई दी, लेकिन ये बधाई सिर्फ फोन कॉल करने या फिर बधाई देने से बहुत ज्यादा आगे का मामला था, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने सभी को एक बार फिर से एक साथ आने, एकजुट होने के लिए पुरजोर कोशिश करने की बात कही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि इसी साल विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, वो चाहते हैं कि शिवसेना के दोनों धड़े एक हो जाएं, इसीलिए अब वो शिंदे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं। और माना जा रहा है कि इसीलिए सुबह सुबह महाराष्ट्र में नया बवाल बखेड़ा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सभी शिंदे गुट के जीते हुए सांसदों को फोन किया, सभी को बधाई दी, लेकिन ये फोन कॉल बहुत कुछ कहने वाला था। इसमें बातचीत ये की गई कि अगर 7 सांसद एक साथ मिलकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में आ जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे गुट की ताकत भी सबसे ज्यादा होगी और एक तरह से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट ही बन जाएगी, क्योंकि 9 और 7 सांसद मिला दें तो दोनों के मिलकर 16 सांसद होते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और एक तरह से उद्धव ठाकरे नई कोशिश में ये भी जुटे हैं कि अगर शिंदे गुट के सांसद उनके साथ आ जाते हैं तो फिर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। जी हाँ, ये भी नई हलचल चल रही है क्योंकि शरद पवार खुद नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से बातें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शरद पवार ने ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये प्लान दिया हो या आइडिया दिया हो कि अपनी पुरानी पार्टी यानी कि शिवसेना के जीते हुए 7 सांसदों से बात करें। हालांकि एक सांसद में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी हैं, हो सकता है कि उनसे बात पर्सनली ना हुई हो, लेकिन अगर 6 सांसद अलग होकर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं तो फिर 7वें को भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नया बवाल हो गया, नई सियासत नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, सभी को फोन कर रहे हैं और शिंदे गुट में बगावत की कोशिशों में जुट गए हैं। तो क्या वाकई में शिंदे गुट में इस बार बगावत होगी? क्या वाकई में शिंदे गुट के जीते हुए सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चले जाएंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।